सबसे पहले आपने एक कैपेसिटर लेना है जिसकी कैपेसिटी इस तरह से होनी चाहिए, 25 वोल्ट 2200 UF। और आपने एक लेना है डायोड, ओके। ये आपने डायोड लेना है, ये नेगेटिव हो गया, और ये जिस पर ये लगी हुई है सिल्वर कलर की पट्टी, ये हो गई नेगेटिव, और जिस पर नहीं लगी हुई ये हो गई पॉजिटिव। तो आपने इसको कुछ इस तरह से लगाना है। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आपने ये कैपेसिटर ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने लेना है ये वाला डायोड, इसको ध्यान से रखना है, FE30.06। ओके, इसको फिर आपने लगा देना है ये जो साइड है सिल्वर वाली। ओके, इसको आपने इस पर लगा देना है, इसकी पॉजिटिव साइड पर। इसको मजबूती से लगाना है आपने। इसको आपने लगा देने के बाद थोड़ा इसको इस साइड पर कर लेना है। इसके बाद आपने लगाना है ट्रांसफार्मर। ओके, हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर रहा। इसकी दो साइडें होती हैं। और दोनों बराबर ही होती हैं तकरीबन, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये डायोड और कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला अलग किया जाए। इसकी आपने दो वायर निकाल लेनी है नेगेटिव से। अगर कोई चीज़ की समझ आपको ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उधर व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा अपना। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी।
एक तार आपने यहाँ से निकाल देंगे। ओके हो गया, ये हो गई आपकी पॉजिटिव और ये हो गई ग्रीन वाली नेगेटिव। अब हम इसका टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि 12 वोल्ट काम कर रहा है कि नहीं। अब एक मिनट हो गया, इसको अब हम चेक करते हैं। ये हो गई हमारी नेगेटिव। ओके और ये हो गई हमारी वाइट वाली पॉजिटिव। ठीक हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा फिक्स करंट दे रही है 12 वोल्ट। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी मेहनत पर एक लाइक ज़रूर कर दें।